गुड आफ्टरनून। दिस इज आवर लेक्चर 3 इन द जर्नी ऑफ 75 लैंडमार्क केसेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने ये अनाउंस किया है कि 75 केसेस हम 15 डेज तक पर डे लेक्चर के साथ फ्री प्रोवाइड करेंगे, फ्री लेक्चर ऑन दैट 5 केसेज अ डे। हमने परसों 5 केसेज को रेफर किया था जब इंट्रोड्यूस किया था, उसके बाद हमने कल 5 केसेज लिए थे जिनमें हमने बताया था कि वो लैंडमार्क क्यों माने जाते हैं, उन्होंने किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप किया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को एक स्पेशल इंटरप्रिटेशन दी, और दे हैव लेड फॉर द चेंज इन लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। सो हम दोबारा से जाएंगे अपनी जो हमने यात्रा की थी उसको शुरू करते हुए। हमने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जो कि रूल बुक है जो बताती है कंट्री कैसे गवर्न होगी, क्या क्या नेशन को कैसा विजन है नेशन के लिए, नेशन कैसा होगा और सिटीजन्स को कैसे क्या क्या चीज़ें इंश्योर की जाएंगी और क्या क्या प्रमोट करने के लिए प्रीएम्बल में कहा गया। उसी की लाइट में हमने आपको ये 10 जजमेंट्स जो हमने पहले अपने 2 लेक्चर्स में किए हैं वो बताए। अब हम आज फिर से 5 नई जजमेंट्स लेकर बैठे हैं और उन पर हम चर्चा करेंगे, हम देखेंगे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या है और वो क्यों लैंडमार्क कही जाते हैं, राइट। इसमें हम जो सबसे पहला केस ले रहे हैं वो है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आप जैसा कि देख रहे हैं ये जो केस है ये 1950 का केस है। The year in which our Constitution of India was enforced. कब enforced हुआ था हमारा Constitution of India? 26th of January 1950। और आप देखिए कि ये फर्स्ट केस है जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास आया और इसको हम लैंडमार्क केस मानते हैं। ये केस फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंट राइट, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच, के लिए है। हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे उनमें फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 में किस ढंग से सेफगार्ड किया गया है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 के बराबर, 32 के लिए इस बारे में चर्चा की थी अपने पहले वाले जब हमने जजमेंट्स को जिक्र किया। अब यह देखिए कि आर्टिकल 19 तो इस फंडामेंटल राइट को राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच दिस इज पार्ट ऑफ फ्रीडम और फ्रीडम प्रीएम्बल में आपको लिबर्टी वाले ग्रुप में डाला हुआ था। कंट्री वांटेड टू एंश्योर फॉर इट्स सिटीजन्स जस्टिस पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड अदर थिंग्स ऑल्सो एंड देन इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कल हमने आपको रिजर्वेशन का जब कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें इक्वलिटी वाला, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी डिस्कस की थी। आज हम इस केस के थ्रू जो कि सबसे पहला केस था फंडामेंटल राइट्स को टेकअप करने वाला, हम आज लिबर्टी के थॉट एंड एक्सप्रेशन वाले एस्पेक्ट को चेक करेंगे। अगर हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि रमेश थापर में क्या हुआ था। He was in the business of printing, publishing some journal.
दैट वॉज बैन बाई द गवर्नमेंट ऑफ मद्रास. गवर्नमेंट ऑफ मद्रास बाय पासिंग द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर्स एक्ट 1949. उसके सेक्शन 9(1)(a) में इस कंपनी को, जो कि पब्लिशिंग प्रिंटिंग ऑफ ए जर्नल पे बिजनेस करते थे रमेश थोपर, उनको बैन किया. नोटिस इशू हुआ टू बैन इट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज अगेंस्ट पब्लिक सेफ्टी एंड टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर. हुआ ये था कि ये कहा गया था कि ये जो जर्नल है ये कांग्रेस के कुछ एक्ट्स को इस ढंग से क्रिटिसाइज करती है जिससे कि पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती, इसलिए इसको बैन करने का ऑर्डर किया. दिस वॉज चैलेंज्ड इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32. हैड टू बी मेंटेन्ड हियर आर्टिकल 32. मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेफगार्ड फॉर द फंडामेंटल राइट्स. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बाय वे ऑफ रिट अंडर आर्टिकल 32. तो ये जो लेजिस्लेशन था एक्ट, इसको रमेश थोपर ने चैलेंज किया दैट इट इज कंट्रावेनिंग दी फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 13(2). मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 13 जो है उसमें स्टेट को डायरेक्शन है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू पावर है कि अगर कोई भी लेजिस्लेशन या कोई भी ऑर्डर ऑफ एनी लोकल अथॉरिटी और स्टेट, जो स्टेट में कवर होता है, स्टेट में मैंने आपको बताया था आर्टिकल 12 में कवर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विद लोकल अथॉरिटीज. कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन या कोई भी ऑर्डर अगर पास होता है जो भी फंडामेंटल राइट को कंट्रावेन करेगी, उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर सकती है. इसके अंदर 13(2) में यह भी दिया हुआ है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया यानी 1950 में, तो उससे पहले का भी कोई लॉ अगर बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आने के पहले, तो भी वो अगर कंट्रावेन कर रहा है फंडामेंटल राइट को, तो उसको भी इनऑपरेटिव माना जाएगा, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, वो भी ऑपरेटिव नहीं रहेगा. अब आप ये देखिए कि ये था 1949 एक्ट. कौन सा है ये? 1949. और 1949 का जो एक्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्स होने से पहले का है, राइट. आर्टिकल 13 में प्रोटेक्शन दे रखी है उन सभी लॉज को के लिए चेक करने की, स्क्रूटनी करने की, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले आए, कमेंसमेंट से पहले, चाहे उसके बाद बने, राइट. अगर उन्होंने फंडामेंटल राइट को कंट्रावेन किया है तो उनको क्वेश्चन किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है. तो ये देखिए, ये वो लॉ है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले ही बन गया था, उस लॉ के अंदर इन्होंने ये किया. अब हम अगर देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली व्हाट वर द कंटेंशंस, कैसे डिसीजन हुआ, दोनों पार्टीज की कंटेंशन क्या थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन. दिस वॉज द फर्स्ट केस जो कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड स्पीच पे आया था.
और ये टेकअप हुआ। उनकी जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो आर्ग्यूमेंट थी कंटेंशंस, उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि ये जो पब्लिक सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर ये अंदर जो मेरा ये बैन किया गया है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्टी नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में क्या लिखा हुआ था? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में लिखा हुआ है सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। और ये पब्लिक ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी के ग्राउंड पर किया गया, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक सेफ्टी। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि पब्लिक ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी इज ए पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड इट इज वेल कवर्ड विद इन दी एक्सेप्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल 19। बात को इस तरह से समझो कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच देने की, उसमें नीचे कुछ रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं कि वो फ्रीडम तो आपके पास अवेलेबल है लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, इन चीजों पे आप नहीं कर सकते। तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। हम अभी आपको दिखाएंगे कि वो कैसी रिस्ट्रिक्शन थी पहले। सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए आपका थॉट और एक्सप्रेशन, राइट? यू हैव ए फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन बट इट शुड नॉट अफेक्ट सो मेनी थिंग्स। वहां पे कई चीजें लिखी हुई हैं जिसमें सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वॉज ऑल्सो देयर। बट ये कंटेंशन थी रोमेश थोपर की कि पब्लिक ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी जिसके ग्राउंड पर यह किया गया है, दैट इज ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इज नॉट बीइंग कवर्ड। अगर ये कवर्ड होता तब ये रिस्ट्रिक्शन में फॉल करता, इसलिए ये ऑर्डर गलत है, कंट्रावीन करता है फंडामेंटल राइट को और इसे स्टक करना चाहिए। समझ आ गई बात? क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी, ये बात सही है कि पब्लिक ऑर्डर और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और ये जो है पब्लिक ऑर्डर पब्लिक सेफ्टी ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के अंदर नहीं है, राइट? एंड रोमेश थोपर वॉन द केस एंड द ऑर्डर वॉज स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हम डिसीजन देखेंगे इसका। देखिए, ऑर्डर ऑफ मद्रास गवर्नमेंट प्रोहिबिटिंग द एंट्री एंड द सर्कुलेशन ऑफ जनरल क्रॉस रोड्स, उसका जनरल का नाम था क्रॉस रोड्स, इन द स्टेट ऑफ मद्रास वॉज क्वेश्चन, राइट? जो ऑर्डर पास किया गया था उस एक्ट के अंदर 1949 में, उसको क्वेश्चन कर दिया गया ये मानते हुए कि ये फ्रीडम के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स में और एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं। इसका इंपैक्ट क्या हुआ कि अमेंडमेंट हुए 19(1)A में, अमेंडमेंट किया गया और उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें ये वर्ड डाल दिया गया, पब्लिक सेफ्टी एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। प्लीज रीड नाउ व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन 19, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, प्लीज रीड एक्सेप्शन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो हम ये देखेंगे कि 1950 का ये सबसे पहला केस है जिसने फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 को इन्वोक किया, जुडिशियल रिव्यू को, फॉर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। एंड जो ऑर्डर था जिस ऑर्डर के तहत उसको बैन किया गया था, उसके जनरल को क्रॉस रोड्स को, उसको क्वैश कर दिया गया ऑन द ग्राउंड दैट ही हैज राइट ऑफ फ्रीडम फॉर एक्सप्रेशन एंड थॉट और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के लिए ये जरूरी है कि जनरल्स को या न्यूज़पेपर्स को सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। और जिस कारण से इसको बैन किया गया था वो कारण
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में नहीं आता। प्लीज रीड नाउ व्हाट इट स्टैंड्स। ड्यूटी ऑफ मीडिया टू प्रोवाइड करेक्ट इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट ऑफ मीडिया टू इंश्योर दैट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द पब्लिक विद इंफॉर्मेशन दैट इज फैक्चुअली रॉन्ग बायस और सिंपली अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन। द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड शेड इन आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर दिस राइट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 2 इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन सिक्योरिटी ऑफ स्टेट पब्लिक ऑर्डर डिसेंसी एंड मॉरल्टी एंड ऑल्सो कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट एंड डिफेमेशन। संजय नारायण इलाहाबाद। ये अमेंडमेंट जो था, जो अमेंडमेंट आया इसमें, उस अमेंडमेंट में इंसर्ट किया गया क्लॉज टू आर्टिकल 19 में। क्लॉज टू में क्या सब्स्टिट्यूट किया गया, लेट मी रीड इट। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज वन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय द सैड सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। नंबर वन, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट और टू एन। तो ये जो केस है दैट हैज लेड टू एन अमेंडमेंट टू दिस आर्टिकल, दैट इज वाई इट इज ए लैंडमार्क। यानी जिस ग्राउंड पर उसको रिलीफ मिला था, जिस ग्राउंड पर उस ऑर्डर को, उस स्टैट्यूट के उस ऑर्डर को किया गया था, उसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ऑर्डर्स ऐड। क्लियर? तो इसीलिए इसको हम लैंडमार्क केस कहते हैं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट केस पर। जो आज का हमारा नेक्स्ट केस है वो है एक रेफरेंस केस। रेफरेंस केस क्या होता है, मैं पहले आपको इस बारे में बताऊं। ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज ए पावर टू रेफर एनी मैटर टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर गिविंग एन ओपिनियन, फॉर गिविंग एन ओपिनियन, राइट। ये केस 1960 का है, जैसे आप साइटेशन से देख रहे हैं, जो AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेज नंबर 845 पे साइट किया है। हमारे यहाँ रेफरेंस बहुत कम हुए हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यूज पर हुए हैं, जैसे इनरी बेरीबरी यूनियन है, ऐसे ही इनरी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी एक रेफरेंस केस है, जिसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किसको और किस हद तक किया जा सकता है इस पर भी एक बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ओपिनियन दिया। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर रेफरेंस होते हैं। तो यहाँ ये हमारा फर्स्ट रेफरेंस केस है जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा। देखिए हमारा जो स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वो कैसा है। सेपरेशन ऑफ पावर है, पार्लियामेंट लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी हो सकती है, लेजिस्लेचर जो कि टू इनेक्ट लॉ। दूसरा है एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूट लॉ, एंड जुडिशरी टू इंटरप्रेट लॉ। भाई हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरल है, जिसमें यूनियन और स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट। अब इसमें जो हेड ऑफ स्टेट है वो है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट है
प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल की बात कर रहे हैं, ओके। प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज द गवर्नमेंट इज ए पार्ट ऑफ लोअर चैम्बर दैट इज लोकसभा, लेजिस्लेटिव बॉडी दैट इज पार्लियामेंट। इनके पास लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, और हेड ऑफ द स्टेट प्रेजिडेंट है। तो एक इसको, इसके पास एक स्पेशल पावर है टू हैव एन ओपिनियन, बिकॉज कोई भी लॉ बनता है, कोई भी लेजिस्लेशन होगा, इट विल गो फॉर द एसेंट टू द प्रेजिडेंट टू मेक इट लॉ। तो अगर कोई भी लॉ जाएगा या कोई भी चीज होगी, प्रेजिडेंट अगर चाहते हैं कि वही देखना चाहते हैं कि ये किस तरह का मैटर है और इसमें कुछ इशू इन्वॉल्व है, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को यानी जुडिशरी को मैटर रेफर कर सकते हैं टू गिव एन ओपिनियन वेदर इट कंट्रावेंस एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और नॉट, राइट। तो इन वेरी वेरी केस जो है वो इसी तरह का रेफरेंस केस है जिसमें ऑनरेबल प्रेजिडेंट ने एक पर्टिकुलर मैटर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया। अब ये मैटर क्या था ये हम आपको, एक नेहरू नून एग्रीमेंट पास हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो वहां के दोनों के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ, राइट। जब इंडिया और पाकिस्तान बना, मैंने आपको बताया था कल कि इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया को टू नेशन कंट्री बनाया गया था बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिससे कि हमारा कंट्री आजाद हुआ 1947, ओके। इसमें एक प्रिंसिपल अडॉप्ट किया गया था कि जिस पर्टिकुलर एरिया में मेजोरिटी ऑफ पीपल ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन रहते हैं वो पाकिस्तान में चले जाएंगे, अगर मुस्लिम हैं तो, और अगर हिंदू हैं तो वो हिंदुस्तान में चले जाएंगे। दिस वॉज द क्राइटेरिया। अब ये बैरूबरी जो एक एरिया था, बैरूबरी यूनियन, ये वेस्ट बंगाल में एक एरिया है जहां पर मुस्लिम्स एंड हिंदू दोनों ही बहुतायत में थे, मेजोरिटी में। ये नेहरू नून एग्रीमेंट में क्या किया गया कि कहा गया कि इक्वली डिवाइड कर दो इसे, और जो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन जानी है वहां चली जाएगी वो एरिया, और जो हिंदुस्तान में आना है वो हिंदुस्तान में आ जाएगा, वेस्ट बंगाल का एरिया है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इस वाले एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया कि हम बैरीबरी यूनियन को पाकिस्तान को नहीं दे। ठीक है, ये हुआ। अब हम ये देखते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। आर्टिकल 13C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडियंस कैन अक्वायर फॉरेन टेरिटरी, कैन अक्वायर फॉरेन टेरिटरी, यानी इंडियंस फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर कर सकते हैं, अक्वायर मींस ले सकते हैं, ओके। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, अल्टर कर सकती है किसी भी बाउंड्री ऑफ द स्टेट, ठीक है। आर्टिकल 368 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट विद इन द प्रोविजंस, ओके। अब इन तीन प्रोविजंस को हम यहां देखेंगे। बैरूबरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस रेफरेंस मैटर को, इस मैटर को कैसे डिसाइड किया और क्या क्या चीजें कंसिडर की।
अब आप ये देखिए, यहाँ ये इशू रेज हुआ जो उनके पास मैटर आया रेफर होकर, कि आप कृपया करके ये बताइए कि क्या पार्लियामेंट हैज पावर टू ग्रांट एनी टेरिटरी टू स्टेट टू ए फॉरेन कंट्री? क्या पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई राइट है कि वो किसी स्टेट की किसी भी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को दे दे? बिकॉज पाकिस्तान वॉज दी फॉरेन कंट्री, एंड व्हाट वॉज द एग्रीमेंट कि बैरूबरी यूनियन को मेजोरिटी एंड बेसिस पर दे दिया जाए। वेस्ट बंगाल ने क्वेश्चन रेज किया आर्टिकल 3 के हिसाब से। ओके, अब दूसरी बात यह है कि क्या लेजिस्लेटिव एक्शन रिक्वायर्ड है नेहरू नून एग्रीमेंट को अप्लाई वो करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए? देर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू नेशंस प्रीमियर्स प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो यहां दो क्वेश्चन उठे जो कि रेफरेंस के लिए आए कि क्या पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो इस तरह का कोई ग्रांट कर सकती है किसी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को देने के लिए। अब हमारा प्रियम्बल कहता है, प्रियम्बल कहता है कि हम वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हमारी जो टेरिटरी है उसको सेसेशन का कोई राइट जो है हमारी जो इंडिया की है कंट्री, जिस वक्त ये डिवीजन हुआ उस वक्त रेडक्लिफ की एक कमेटी बैठी, लेकिन मैप क्लियर नहीं किया गया कि इंडिया का जो मैप है और पाकिस्तान का जो मैप है वो कैसे कैसे किस किस एरिया को कवर। अब आप ये देखिए, ये जो क्वेश्चन उठा ये क्यों आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास? इसमें पहली बात तो गवर्नमेंट का ये प्ली था कि प्रियम्बल के हिसाब से पार्लियामेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो कोई भी चेंज ला सकते हैं कंट्री की टेरिटरी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। और 1(3)(c) कहता है कि पार्लियामेंट कैन अक्वायर टेरिटरी, बट वो हैंडओवर कर सकते हैं टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को, ऐसा नहीं लिखता। ओके, ये उनका ग्राउंड था। अब आप देखिए कि हमारी जजमेंट क्या हुई है। जजमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है किसी भी स्टेट की टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को देने, और इसीलिए उन्होंने जो स्टैंड था वेस्ट बंगाल का उसको अब कर दिया। लेकिन साथ में ये भी बताया कि प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ए विजन स्टेटमेंट, इट इज ए मिरर, इट टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी वांट इट एंड व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी देयर टू रन द कंट्री। मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ये रूल बुक, इसमें इन्होंने बताया कि ये 1(3)(c) जो है वो अक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज की बात करती है, सीडिंग ऑफ एनी टेरिटरी की बात नहीं करती। टुकड़े करना, कोई सेड कर दो कोई हिस्सा, ऐसा बात नहीं करते, राइट? और आर्टिकल 368 जो है जो कि अमेंडमेंट की पावर देता है पार्लियामेंट को, वो किसी भी तरह से अमेंड कर सकता है 1 को, बट सिर्फ अगर कोई भी आर्टिकल अगर अमेंड करना है तो आर्टिकल 368 पे जाना। और मैंने आपको कल बताया था कि पार्लियामेंट जब अमेंड करती है अंडर आर्टिकल 368 तो टेक्स द शेप ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग। आप आर्टिकल 368 को एक बार रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि पार्लियामेंट को ये कौन सी पावर है जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, पार्लियामेंट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। यानी कि जिस वक्त आर्टिकल 368 इन्वोक किया जाता है अमेंडमेंट के लिए, उस वक्त पार्लियामेंट जो है वो
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है, राइट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाती है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ भी चेंज करना है, 13C क्या कहता है, अक्वायरिंग टेरिटरी नॉट सीडिंग द टेरिटरी, तो पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करने का पावर तो है, लेकिन आर्टिकल 13C अभी पावर नहीं देती है पार्लियामेंट को या किसी भी एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कंसिस्टेंट नहीं है, राइट। तो ये हुआ और उन्होंने नेहरू नून एग्रीमेंट को प्रैक्टिकली वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और इस केस का इफेक्ट क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 9th अमेंडमेंट, दैट इज वाई इट इज ए लैंडमार्क। और 9th अमेंडमेंट करने के बाद फिर से नेहरू नून एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया गया और बैरूबरी यूनियन को ट्रांसफर किया गया टू पाकिस्तान। तो कितना इम्पोर्टेंट केस है ये, और आपको ये पता चला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस की पावर है, एडवाइज लेने की पावर, प्रेसिडेंट के द्वारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एडवाइज लेने की पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर उसे दे रखी है, जिसमें कि दे कैन सीक द एडवाइज ऑन एनी मैटर। तो दिस मैटर वॉज ऑफ फैशन इम्पोर्टेंट, दिस वॉज ऑफ वेरी बिग इश्यू। आप ये समझ गए कि हेड ऑफ द स्टेट सीक एडवाइज ओपिनियन ओवर एनी मैटर बाई सेंडिंग द केस इन रेफरेंस, दिस वॉज ऑफ रेफरेंस। आपको समझ में आ गया कि ये कितने इंपॉर्टेंट, एंड ये जो केसेज है ये आपको कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बता रहे, कैसे एक्ट स्टैट्यूट क्वेश्चन हुआ, कैसे अगर वो अपहेल्ड हुआ चैलेंज, पहला केस था फंडामेंटल राइट का, वहां भी आपने देखा कि बाद में उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इंसर्ट किया गया। यहां भी आप देख रहे हैं कि बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, That was the first amendment. This is the 9th amendment, right? तो आर्टिकल 368 का जो अमेंडिंग पावर है इस पर हम चर्चा करेंगे, और आपको एक लिस्ट पूरा का पूरा जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर के लिए आई थी शंकरी प्रसाद, सज्जन कुमार और बहुत सारे केसेस से लेते हुए टू रीच टू केशवानंद भारती केस, उसके लिए एक अलग लेक्चर हम करेंगे, वो पूरी की पूरी सीरीज ऑफ जजमेंट्स जिनमें सिर्फ आर्टिकल 368, आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, जिसमें बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर थियरी आई कि क्या अमेंड किया जा सकता है और क्या अमेंड नहीं किया जा सकता, राइट। सो दिस वाज द इंपॉर्टेंट केस, नाउ वी विल गो फॉर आवर थर्ड केस ऑफ टुडे। आवर थर्ड केस इज मिनर्वा मिल्स। We were there in first case in 1950, then we had gone to 1960, now this is a case of 1980, और आपको इसका importance बताएं हम कि इसकी importance क्या है। इसकी importance है तो हम ये देखेंगे कि Minerva Mills Limited and others, ये वाला जो case है आज का, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वाई इट इज इन द लिस्ट ऑफ लैंडमार्क केसेस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हम बताते हैं। ये फर्स्ट केस है जिसने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी थ्योरी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड पावर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार उठाया,
ये तीनों चीजें मैंने अभी आपको बताई कि हम एक बहुत लंबा केस की फहरिस्त देंगे आपको, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे, जो कि शंकरी प्रसाद से लेकर कुछ मैंने भारती रखा होगा, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी डिस्कस है। ये बेसिक स्ट्रक्चर थियरी, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको जो पहले जो केसेज हमने दोनों लिए हैं उसमें आपने एक चीज देखी कि अच्छा, अगर कोई चीज फंडामेंटल राइट हो या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अफेक्ट कर देंगे, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है या क्वैश कर देता है, तो आप देखते हो नेक्स्ट यू गेट एन अमेंडमेंट एंड द सेम इज बीइंग डन। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। तो ये हो गया कि मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में कोई चीज प्रोहिबिटेड है, प्रीएम्बल में कोई चीज बिल्कुल मना कर रखी है या बिल्कुल नहीं है, और वो किसी ना किसी इंसिडेंट या डेवलपमेंट को करती है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बाय वे ऑफ जुडिशियल रिव्यू उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक डाउन करते हैं, तो पार्लियामेंट बाय वे ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पावर टू रीफ्रेम, अमेंड मींस रीफ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द अमेंडमेंट। अब तक हमारे टोटल अमेंडमेंट कितने हो चुके हैं कोई हमें बताएगा? 106। राइट, हमने कल रिजर्वेशन वाले केस में 103 का जिक्र किया था, 103rd अमेंडमेंट, इट वॉज रिलेटिंग टू EWS। राइट, तो ये तीनों पावर्स हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का प्रोटेक्ट गार्ड है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जितनी भी अथॉरिटीज हैं, देयर एक्शंस वेदर इट लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन विल कम विद इन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। द क्वेश्चन इज ऑलवेज रेज्ड, व्हाट इज नॉट कवर्ड विद इन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? व्हाट इज कवर्ड विद इन द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज नॉट ए क्वेश्चन। What is not covered within the power of judicial review? इंदिरा गांधी राजनारायण वाले केस में जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन क्वेश्चन हुआ था ऑन द ग्राउंड दैट ड्यूरिंग द इलेक्शन गवर्नमेंट मशीनरी वॉज यूज, एंड दिस वॉज द क्वेश्चन रेज्ड कि अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन, दैट इज बियॉन्ड दी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। वो हम जब जुडिशियल ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट को टेकअप करेंगे और एक लिस्ट देंगे, फहरिस्त देंगे पूरे के पूरे केसेस की, तब हम बताएंगे। राइट, तो बेसिक क्वेश्चन ये उठता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, वी द पीपल ऑफ इंडिया सरेंडर आवर सेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, and we the people of India is the parliament, they are the representative of the people, means parliament also surrendered to the constitution. Parliament in its constituent power will have a power to change the constitution, change the provision. यहाँ ये question उठा पहली बार कि what is the extent of change, amendment की extent क्या है, what is the extent of amendment, क्या हम अमेंडिंग पावर के सामने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील कर सकते हैं? बाय वे ऑफ अमेंडमेंट वन डे वी सिट एज कंस्टिट्यूएंट पावर एज पार्लियामेंट एंड वी से वी रिपील ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ऐसी सिचुएशन आ सकती है? कभी इस बात को टेकअप किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेज में, देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट, बट दिस वॉज द फर्स्ट केस जिसने इस क्वेश्चन को उठाया। राइट, एंड यहां से हमारी शुरू हुई बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। अमेंडमेंट पॉसिबल है क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टैटिक नहीं बना सकते, चेंजिंग सरकमस्टांसेस वी नीड अमेंडमेंट।
हमें हर डॉक्यूमेंट को रीविजिट करने का राइट अगर नहीं होगा तो दैट विल बिकम अ डेड डॉक्यूमेंट एंड टाइम इज चेंजिंग एवरी डे. वी कैन नॉट मेक एनी डॉक्यूमेंट स्टैटिक डेड डॉक्यूमेंट चेंजेस आर रिक्वायर्ड बट क्या चेंजेस कैन रिपील द कंप्लीट डॉक्यूमेंट दिस इज द बेसिक क्वेश्चन. तो वहां पे क्या हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिस थियरी वॉज इवॉल्व दैट यू कैन चेंज द प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट एंड एट दैट टाइम पार्लियामेंट जिसको लेजिस्लेटिव पावर मिली हुई है उसी को अमेंडिंग पावर मिली हुई है और जब वो अमेंडमेंट करेगी उस वक्त वो पार्लियामेंट विल टेक द शेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स रीफ्रेमिंग रीविजिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसलिए आर्टिकल 68 में इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर राइट. लेकिन हम जिस डॉक्यूमेंट को हमने जिस डॉक्यूमेंट पे हमने सरेंडर कर दिया उसको हम किस हद तक चेंज कर सकते हैं सरकम चौंतीस तो ये कहा गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने थ्योरी डेवलप की कि यू कैन मेक अमेंडमेंट्स यू कैन मेक चेंजेस बट नॉट टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर. अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है वो पूरी लंबी लिस्ट है जिसमें कि ये बताया गया है बट दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट. जैसे डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सेटअप ऑफ द कंट्री इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी integrity of the country. Basically these are the concepts जो preamble में दिए हैं. मैंने आपको बताया कि preamble is the vision and mission of the constitution. तो हमें preamble को ध्यान में रखते हुए हमने ये देखना है कि कितनी हद तक amendment possible है. Minerva Mills में ये देखेंगे कि एक चीज और भी डिस्कस की गई है वो है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में रिलेशन. फंडामेंटल राइट जो पार्ट थ्री है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो कि पार्ट फोर है इनके बीच में क्या रिलेशन इनका इंटर से रिलेशन. फंडामेंटल राइट क्या है सिटीजन्स को दिए गए हैं सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मान के कि उनकी बेसिक नीड है और ये हर एक आदमी को मिलना चाहिए फंडामेंटल राइट है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के पास पॉलिसी बनाने के वक्त कुछ डायरेक्टिव्स हैं कि आप जब कोई कानून बनाओगे कोई पॉलिसी बनाओगे कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करोगे लेजिस्लेटिव ऑर्डर पास करोगे यू विल रिमेंबर यू विल चेक दीज पॉलिसी लिस्ट पॉलिसी डायरेक्शन. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो डायरेक्शंस हैं वो जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाते समय ध्यान रखें राइट. अब क्वेश्चन ये उठता है गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते समय कोई भी ऑर्डर या लेजिस्लेशन पास करती है और वो फंडामेंटल राइट को अफेक्ट कर रहा है तो कौन बड़ा ये बड़ा ये और इनका इंटरसेलेशन अभी हम वही देखते आए. हमने रमेश थापर में यही देखा कि फंडामेंटल राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड थॉट वॉज क्वेश्चन अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भाई सेफ्टी एंड पब्लिक ऑर्डर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक इज रिक्वायर्ड. आप एक्सप्रेशन जरूर दोगे बट आप पब्लिक सेफ्टी नहीं कर सकते उसको एप्रोगेट नहीं कर सकते हो उसको नहीं कर सकते हो. अभी आप पीछे देखते आ रहे हो एक स्टेटमेंट आई उसके स्टेटमेंट के बाद सरतन से जुदा
किस एक्सटेंट तक, हम खुद भी कहते हैं किस एक्सटेंट तक मीडिया को अपना एक्सप्रेशन और थॉट करना चाहिए. विल इट राउज द पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. 26th ऑफ जनवरी को यू हैव सीन ए मॉब मूविंग टुवर्ड्स रेड फोर्ट, रेड सो मेनी एक्टिविटीज, एवरीबडी वॉज वॉचिंग दैट मे गो टू द राइट्स. तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, लिबर्टी और ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन कितना, किस हद तक, किस तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन चाहिए, उसमें हमने वो क्वेश्चन देखा. उन्होंने बोला कि पब्लिक ऑर्डर और सेफ्टी को आपने गड़बड़ किया है, इसलिए आपका हम ये जंगल बंद करना चाहते हैं. लेकिन वो वर्ड्स वहाँ नहीं थे रिस्ट्रिक्शन में, इसलिए वो बंद थे. तो आप ये देखिए कि यहाँ हम देखेंगे कि अगर फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो उनके बीच में रिलेशंस क्या है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट को रन करने के लिए, गवर्न करने के लिए और सिटीजन्स के फायदे के लिए कुछ डायरेक्टिव्स दे रखे हैं. लेबर लेजिस्लेशन है, सोशल लेजिस्लेशन है, एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन है, बहुत सारी चीजें. और फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट दे रखे, सिटीजन्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. इसके अंदर डेफिनेटली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है अंडर आर्टिकल 32. हम इसे क्वेश्चन कर सकते हैं. और अंडर आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की पावर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, कि कोई भी लेजिस्लेशन या ऑर्डर पास होगा तो सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी, स्क्रीनिंग करेगी उसकी, कि क्या ये फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट करता है यानी टच करता है. और यहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ऐसी कोई रेमेडी नहीं. अगर गवर्नमेंट स्टेट पॉलिसी के खिलाफ, स्टेट पॉलिसी के तहत जो उसमें डायरेक्टिव दे रखे हैं, कोई लॉ नहीं बनाए या कोई काम नहीं करे, तो उसको कोई आम आदमी ये नहीं कह सकता कि ये बना क्यों नहीं रहे जब यहां पे दिया हुआ है. यू कैन नॉट गो फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. तो ये क्वेश्चन यहां पर मिनर्वा मिल्स में उठा, और मिनर्वा मिल्स में जो फैक्ट्स थे वो हम देखेंगे कि इसमें क्या फैक्ट्स थे. ये जो हमने कहा शंकरी प्रसाद से लेकर सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती, ये अमेंडमेंट से रिलेटेड, इंदिरा गांधी, राजनारायण, वामन राव, यूनियन ऑफ इंडिया, ये सारे केसेस उसी बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी और अमेंडमेंट के बीच में करते हैं. फैक्ट्स ऑफ मिनर्वा मिल्स केस क्या था, कि देयर वॉज ए मिल जो सिख इंडस्ट्री, उसका जिसका इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट किया एक कमेटी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी एस्टेब्लिश की टू इन्वेस्टिगेट दी कंपनी 1970. और सेक्शन 15 ऑफ दिस एक्ट के अंदर, और सेक्शन 18A में इसी एक्ट के अंदर नेशनल टेक्सटाइल ने को कंपनी को ऑर्डर मिल गया कि वो इस कंपनी का कंट्रोल ले सके. समझ में आ रही है बात. एक मिल है जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ है अंडर दिस एक्ट, और उसमें ये भी ऑर्डर पास हो गया इस पर्टिकुलर प्रोविजन में कि नेशनल टेक्सटाइल कैन टेक ओवर दैट दी मैनेजमेंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट टेक्सटाइल. दिस ऑर्डर वॉज चैलेंज्ड बाय द ओनर्स ऑफ दिस. अब आप इसके प्रोविजंस देखिए. अमेंडमेंट जो था सेक्शन 4 और सेक्शन 55 क्वेश्चन था इसमें, जो कि 42nd अमेंडमेंट का था. सेक्शन 4 क्या था, अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 31C. 31C देखने से आपको लग रहा होगा एक्विजिशन एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ, और 31 इज राइट टू प्रॉपर्टी, और ABCD जो उसमें आए थे उसमें था एक्विजिशन से रिलेटेड चीजें. तो ये आपको नजर आ रहा है कि 31C इज रिलेटिंग टू टेकिंग ओवर ए पर्टिकुलर कंपनी बाय ऑर्डर ऑफ दी गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट. एंड सेक्शन 55 दैट टॉक्स अबाउट अमेंडमेंट ऑफ 368.
वही क्वेश्चन आ गया। यहां पर पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर थियरी का क्वेश्चन उठा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर है कि नहीं ये चेक करेंगे, आप टेकअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अमेंडमेंट जो है ये 42nd अमेंडमेंट वॉज इन द क्वेश्चन, जिसे ये दो थे। अब आप देखिए ये कहा गया कि 42nd अमेंडमेंट जो है वो डिस्ट्रॉय करता है बेसिक स्ट्रक्चर। 42nd अमेंडमेंट में इस तरह के अमेंडमेंट हुए जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक फैब्रिक को हिला, राइट। और ये कहा गया कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये स्टेट की पॉलिसी थी कि एक सिख इंडस्ट्री को किसी और इंडस्ट्री टेकअप कर रही है, नेशनल टेक्सटाइल, राइट। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या लॉफुली ओवररूल करती है फंडामेंटल राइट को? उसका फंडामेंटल राइट क्या था? टू ओन बिजनेस, हमारे पास फंडामेंटल राइट है टू हैव एनी ट्रेड प्रोफेशन बिजनेस। तो क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर कोई एक्ट बनाया है तो क्या वो ओवररूल कर देगा फंडामेंटल राइट? मैंने आपको बताया था कि इसमें दो क्वेश्चन उठे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के आपस में क्या है। अब आप ये देखिए जजमेंट क्या है, जजमेंट है द सुप्रीम कोर्ट डीम्ड क्लॉजेस 4 and 5 ऑफ आर्टिकल 68 विच वॉज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट 42nd अमेंडमेंट टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड। आर्टिकल 368 में जो क्लॉजेज 4 and 5 थे जो ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट से 1976 में, 42nd अमेंडमेंट आपको याद आ रहा होगा, दो और बड़ी बड़ी चीजें प्रीएम्बल में डली थी उसमें, भूल गए? प्रीएम्बल के अंदर दो चीजें ऐड की गई थी 42nd, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। राइट, ये दो वर्ड ऐड किए गए। तो 42nd अमेंडमेंट को बहुत तरीके से चैलेंज किया गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर। तो ये वाला जो क्लॉज 4 और 5 थे अमेंडमेंट क्लॉज में भी ऐड कर दिए गए थे, मतलब अमेंडिंग पावर जो है उसमें भी अमेंडमेंट हुआ। दिस वॉज क्वेश्चन, और इसमें दिस वॉज द फर्स्ट केस मिनर्वा मिल्स जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के लिए कही कि आप अमेंडमेंट से कुछ अमेंड कर सकते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं। तो बंद कर तो क्या लिखा हुआ है, ओवररूल द पार्लियामेंट्स एबिलिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट कंक्लूडेड दैट ऑल्दो द पार्लियामेंट कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अंडरमाइन टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें कि केसेज की जिसमें ये बताया गया कि क्या क्या चीजें बेसिक स्ट्रक्चर मानी गई। जैसे मैंने आपको दो बेसिक बताए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सेकुलरिज्म, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस तरह से लिस्ट में ऐड होती है बेसिक स्ट्रक्चर में। तो बेसिक स्ट्रक्चर इट इज दिस दैट यू कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सरसाइजिंग योर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर बट नॉट टू टच द बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हमने देखा कि हम अब अगली जजमेंट पर जाएंगे, और अगली जजमेंट है केम नानावती केस। अपने आप में इम्पोर्टेंट लैंडमार्क केस है, हालांकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, ये एक जुडिशियल वर्डिक्ट को देने के प्रोसीजर को लेकर। इट वॉज रिलेटिंग टू ए मर्डर केस
जिस पर बहुत बार मूवीज बन चुकी हैं, अभी आपने रुस्तम मूवी देखी थी, उन्हीं के फैक्ट्स को लेकर कुछ थोड़ा सा उसको फिल्माया गया था। मूवी का नाम लेने से आपको पूरी स्टोरी याद आ गई होगी कि एक केम नानावती जो थे वो इंडियन नेवल ऑफिसर थे। हिज वाइफ कन्फेस्ट हर इलिसिट रिलेशंस विद सम बिजनेसमैन एंड इन्होंने अपनी लोडेड पिस्टल ली अपने ऑफिस से और किल कर दिया। राइट, दिस वॉज दी ओनली केस। इट वॉज अंडर सेक्शन 300 आईपीसी। द केस वॉज कंटेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेप्शन वन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। दिस वॉज द फर्स्ट केस जिसमें जूरी ने फैसला लिया, नहीं फर्स्ट केस नहीं लास्ट केस। इसके बाद जूरी सिस्टम इंडिया से खत्म हो गया था। जूरी ने इस केस का फैसला लिया था और ये जो केस है आप देख रहे हैं, ये केस है 1962, यानी 1962 तक फॉर द केसेज इवन द जूरी सिस्टम वॉज ऑल्सो यूज फॉर डिसीजंस। तो दिस वॉज द लास्ट केस इट्स हिस्ट्री जिसमें जूरी ने फैसला लिया। 8:1 थे, जूरी ने फैसला लिया नॉट गिल्टी। इस केस को रेफर किया गया अंडर सेक्शन 307 सीआरपीसी टू द ऑनरेबल हाईकोर्ट और वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जूरी के फैसले को ओवररूल किया और इनको कन्विक्शन दी अंडर सेक्शन 300 आईपीसी एलआई लाइफ इंप्रिजनमेंट। और इस फैसले के खिलाफ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, के एम नानावती हैड गॉन टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो लैंडमार्क जो केस है वो इसलिए है क्योंकि दिस वॉज द लास्ट केस डिसाइडेड बाय जूरी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लॉ लेट डाउन किया कि दो ग्राउंड पर जूरी के फैसले को क्वेश्चन किया। पहली बात ये माना जाए कि जूरी हैड नॉट डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल एविडेंस और द जूरी वॉज परवर्स और वॉज नॉट इट्स ओपिनियन वॉज नॉट एज पर दी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इस फैसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया और ये माना कि इनका जो केस है के एम नानावती का केस मर्डर वाला वो ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन में नहीं आता है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होती है वो आप देखिए। इतना प्रोवोक हो जाए, इतना ग्रेव हो प्रोवोकेशन, सामने वाला इतना उत्साह दे कि सडनली आप इतने प्रोवोक हो जाओ कि कोई एक्ट कर लो, कोई ऑफेंस करो और ऑफेंस ऑफ मर्डर, ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक्सेप्शन वन है सेक्शन 300 आईपीसी मर्डर की प्रोविजन। इसमें ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि प्रोवोकेशन शुड बी ग्रेव बट इट शुड बी सडन। और इस केस में जब कन्फेशन मिला उसे अपनी वाइफ से, यस शी वॉज हैविंग इलिसिट रिलेशन विद सच एंड सच बिजनेसमैन, उसके बाद जब तक उसकी
किलिंग हुई तब तक ही है सफिशिएंट टाइम टू कूल डाउन हिज प्रोवोकेशन राइट ही हैड सफिशिएंट टाइम टू कूल डाउन तो हम इसे सडन नहीं करते नॉट सडन राइट अब हम देखेंगे कि इसमें फैसला क्या हुआ इसके अंदर इश्यूज थे कि क्या हाई कोर्ट ने के पास ज्यूरिडिक्शन थी 307 में काम करने की क्योंकि उनके पास रेफरेंस केस आया था 307 से नीचे की कोर्ट से जहाँ जूरी ने उन्हें 8:1 से क्लियर कर दिया था टू एग्जामिन द फैक्ट इन ऑर्डर टू डिटरमिन द कॉम्पिटेंसी ऑफ सेकंड जजेस जजमेंट रेफरेंस क्या हाई कोर्ट हैड पावर टू स्ट्राइक असाइड ए जूरीज डिसीजन क्या हाई कोर्ट के पास ये पावर थी कि जूरी के डिसीजन को स्ट्राइक कर सके क्या कोई मिसडायरेक्शन थी चार्ज में एंड दिस वॉज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही नोटेड दैट जज डिसएग्रीज विद द जूरीज डिसीजन इसमें इस केस में जूरी का डिसीजन 8:1 था लेकिन जज एग्री नहीं किया दूसरी बात इसलिए उसने रेफरेंस किया इसका सेक्शन 307 में टू दी हाई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो ग्राउंड होने चाहिए एक तो जज मस्ट डिसएग्री विद द जूरी डिसीजन नंबर टू जूरी का जो डिसीजन है वो नॉट बेस्ड ऑन दी फाउंडेड प्रिंसिपल एंड मेथड और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हाँ 307 में रेफरेंस सही था और इन्होंने कंकर किया हाई कोर्ट के कंक्लूजन से कि जज का एलिगेशन जो था मिसडायरेक्शन का इट नोटेड द क्वेश्चन ऑफ वेदर ए मिसडायरेक्शन टेंटेड बाय द जूरीज वर्डिक्ट जज ने जो फैसला लिया जूरी के वर्डिक्ट के बेस पर लिया जो कि मिसडायरेक्शन है और जज जॉब टू इज टू मेक श्योर दैट जूरी अंडरस्टैंड दी जज को जूरी का फैसला तब मानना है कि वो ये समझ जाए कि जूरी में जो बैठे हैं दे अंडरस्टैंड दी एंड कौन पूरी नहीं तो जूरी के डिसीजन का इंडिया में दिस वॉज द लास्ट केस इसलिए ये बहुत लैंडमार्क केस है और उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया तो इस तरह से हमने देखा आज के पांच जजमेंट्स में जो हमने आज लिए पहला केस हमने लिया रोमेश थॉपर जिसमें फंडामेंटल राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन वाज डिस्कस्ड एंड उसमें रिस्ट्रिक्शंस में फॉल करता है या नहीं ये देखा कि आफ्टर अमेंडमेंट भी इट वॉज फॉलो तो और वो जो लॉ था वो प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दोनों अंडर द स्क्रीनिंग है अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड केस जो हमने लिया था इन वेरी वेरी सेकेंड केस में हमने देखा था कि जो नैनो नून एग्रीमेंट था बैरूबरी यूनियन को ट्रांसफर करने का वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता था इसीलिए जो बेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट थी उसका फैसला अपहेंड किया गया लेटर ऑन इट लेड टू द अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन राइट हमने थर्ड केस देखा मिनर्वा मिल्स जिसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के बारे में बात की कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी वहां से शुरू हुई कि अमेंडमेंट को किस एक्सटेंड तक किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन चौथा केस हमने देखा के एम नानावती का जिसमें जूरी का लास्ट फैसला था और जूरी के फैसले पर किस ढंग से रेफरेंस जाता है और किस ढंग से फैसला जाता है अब हम एक लास्ट केस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो आईएएस के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस वो है टीएसआर सुब्रमण्यम एंड अदर्स
दिस इज आवर लास्ट केस एसआर सुब्रमण्यम एट दिस। ये जो केस है ये ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेसी यू नो द एग्जीक्यूटिव्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स द आईएएस ऑफिसर्स द ब्यूरोक्रेट्स दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स राइट। ब्यूरोक्रेसी पर ब्यूरोक्रेसी में प्रोटेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट्स अगेंस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन मेकिंग देयर जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एंड गुड गवर्नेंस। का इशू उठा सेफगार्ड्स ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स अगेंस्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। वो जो ऑर्डर्स पास करते हैं जिससे पब्लिक अफेक्ट होती है उनका सेफगार्ड कैसे हो एंड रिटन ऑर्डर्स ऑफ द सीनियर्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने इंक्लूडिंग फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम कोर्ट को अप्रोच किया एपेक्स कोर्ट को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द इशू रेज्ड वाज रिलेटिंग टू आर्टिकल 390 दैट डील्स विद पब्लिक सर्विस ओके। इशू ये उठा कि पब्लिक सर्वेंट्स जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो गुड गवर्नेंस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि दे आर अंडर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दे रिसीव द ओरल ऑर्डर्स टू एग्जीक्यूट ड्यूरिंग देयर वर्किंग एंड उन ऑर्डर्स को मानने ना मानने से उनका सर्विस करियर अफेक्ट होता है। और उसमें ये क्वेश्चन उठाया गया कि उन लोगों को ट्रांसफर एंड पोस्टिंग और उनका डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स मैकेनिज्म कंट्रोल होना चाहिए सो दैट दे कैन वर्क फियरलेसली। तो बेसिकली दिस वॉज रिलेटिंग टू इंडिपेंडेंस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें पहली बार ये क्वेश्चन रेज किए गए और कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की। हमने कल एक केस किया था विशाखा राइट जिसमें रेप भावरी देवी वाला रेप जो था उस पर विशाखा जो ग्रुप था उन्होंने केस डाला था और विशाखा गाइडलाइंस इशू हुई थी जिस पर कि सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का लॉ बना था 2013 में ऑन द बेसिस ऑफ ऑन सेम गाइडलाइंस। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी पर यह ऐसा केस था जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की रिलेटिंग टू गुड गवर्नेंस बाय ब्यूरोक्रेट्स जिसमें उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर पोस्टिंग का कुछ मिनिमम फिक्स्ड टेन्योर ऐसा नहीं कि वो उनकी पोस्टिंग हुई उन्होंने कोई बात नहीं मानी या कोई भी कारण हुआ दो दिन के बाद फिर ट्रांसफर हो गई दो महीने बाद फिर ट्रांसफर हो गई दो साल बाद फिर ट्रांसफर हो गई तो एक फिक्स मिनिमम टेन्योर ऑफ पोस्टिंग। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कब रन होगी कब नहीं होगी उसका कंप्लीट मैकेनिज्म है। तो CBS कमेटी ऑफ ब्यूरोक्रेटिक
सर्विसेज। ये बनाई गई जब तक कि पार्लियामेंट लॉ अमेंड नहीं कर, और उसे टाइम बाउंड किया गया विद इन 3 मंथ्स। तो गुड गवर्नेंस ये कि कोई भी ब्यूरोक्रेट ऊपर के ओरल ऑर्डर्स पर, किसी भी के भी ओरल ऑर्डर्स पर काम नहीं करेगा रिटर्न ऑर्डर्स के बिना, राइट। उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफर, उनका टेनर किसी पर्टिकुलर पोस्टिंग पर, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई। और आप ये देखेंगे कि ये लैंडमार्क केस इसलिए माना जाता है जिसमें इशू की गई डायरेक्शंस टू अनशैकल द सिविल गवर्नमेंट्स सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम पॉलिटिकल कंट्रोल एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ इट। ऑर्डर्ड गवर्नमेंट टू मेक प्रॉपर स्टैट्यूट ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी कि इट हैज लेड टू ए लेजिस्लेशन, राइट। इसने एक लेजिस्लेशन को डायरेक्शन दी जिसमें ब्यूरोक्रेसी पर पूरे के पूरे गुड गवर्नेंस के लिए गाइडलाइंस इशू हुई, और इसीलिए ये लैंडमार्क केस माना जाता है। ये विशाखा केस प्रकाश सिंह और विनीत नारायण उन केस की लाइन में एक इम्पॉर्टेंट केस है। इन केसेस में भी डायरेक्शंस इशू हुई थी, अनेश कुमार में भी कुछ डायरेक्शंस इशू हुई थी। इस तरह के जो केसेस हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें डायरेक्शंस वर मेड एज द लॉ, दे वर द सोर्स ऑफ रूल्स फॉर गवर्निंग समथिंग, राइट। अब आप देखिए इसके फैक्ट्स थे कि टी एस आर सुब्रमण्यम और 82 अदर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, उन्होंने इन्वोक किया था 32, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, और रिट पिटीशन से, और उन्होंने कहा था कि देर इज अ नीड ऑफ सर्टेन रिफॉर्म्स एज डायरेक्शंस बाय एंड डायरेक्शंस बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फॉर सेफ गार्डिंग द इंटीग्रिटी फियरलेसनेस इंडिपेंडेंस ऑफ सिविल सर्वेंट्स, राइट। और इसमें यह कहा गया था कि क्रिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस बोर्ड सीएसबी, फिक्स टेन्योर ऑफ सिविल सर्वेंट्स फॉर पोस्टिंग एंड ट्रांसफर, और मैंडेटिंग सिविल सर्वेंट्स टू रिकॉर्ड ऑल फॉर्मल कम्युनिकेशंस रिसीव्ड नॉट ओनली फ्रॉम द सीनियर्स बट ऑल्सो फ्रॉम द अदर पार्टीज सच एज पोलिटिकल अथॉरिटीज एंटरप्रेन्योर्स एंड लेजिस्लेटर्स। किसी का कोई भी ऑर्डर आएगा उसको राइटिंग में कन्वर्ट कर, और उसी पर काम करना है, राइटिंग में ही ऑर्डर्स आएंगे। इशूज यही था कि हाउ कैन द इशू ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अथॉरिटीज हायर टू सिविल सर्वेंट पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन ऑन द सिविल सर्वेंट फॉर द सेल्फिश मोटिव्स टू बी डन, राइट। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स इसमें डिस्कस हुआ था, और ओरल और वर्बल और इनफॉर्मल ऑर्डर्स को सिविल सर्वेंट से कैसे हैंडल करना है। इसमें जजमेंट ये आई थी कि एज पर आर्टिकल 309 बेंच आस्ट पार्लियामेंट टू क्रिएट ए सिविल सर्विस एक्ट। एक सिविल सर्विस एक्ट आपको बनाना है, ये डायरेक्शन इशू हुई थी। पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की थी कि आप लेजिस्लेशन बनाइए, राइट, सिविल सर्विसेज एक्ट बनाइए, और उस एक्ट के अंदर ये एस्टेब्लिश होगा कि सीएसबी क्या है, डायरेक्शन कैसे इशू करनी है, और एडवाइस दिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अबाउट ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस एक्सेट्रा। द बेंच डायरेक्टेड द सेंटर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रोवाइड द नेसेसरी डायरेक्टिव टू एंश्योर दैट ऑल सिविल सर्वेंट्स रिसीव द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और इन्होंने कहा कि ये डायरेक्शन इशू कर दिए विद इन 3 मंथ्स टाइम बाउंड मैनर में। बेंच ने इशू की डायरेक्टिव टू सेंटर स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज टू एस्टेब्लिश सच बोर्ड्स विद इन 3 मंथ्स। कौन सा बोर्ड? सीबीएस, इफ नॉट ऑलरेडी एस्टेब्लिश अंटिल द पार्लियामेंट ब्रिंग्स लॉ। समझ में आ गया? तो ये देखिए इस तरह से ये केस बहुत लैंडमार्क और इम्पोर्टेंट केस है जिसमें गुड गवर्नेंस को टेकअप किया, जो कि सिविल सर्वेंट्स की प्रॉब्लम थी कि दे आर नॉट एबल टू डू टू वर्क फियरलेसली
एंड दे ऑल्सो लिव इन ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। तो हमने चार केसेज आपको बताए कि किस किस से थे। ये पांचवा इम्पोर्टेंट केस था बहुत ज़्यादा, ये सिविल सर्वेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट केस है कि इवन दी सिविल सर्वेंट्स हैव सुप्रीम कोर्ट अंडर द सुप्रीम कोर्ट सीटिंग डायरेक्शंस फॉर सेफ गार्डिंग देयर वर्किंग देयर इंडिपेंडेंस एंड दिस वॉज इन दी तो आज के लिए ये पांचों केसेस हमने करे और आपको बताया कि इनकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं क्लियर हुई है तो वो पूछ सकते एनीथिंग। दीज आर दी लैंडमार्क केसेस जो कि जनरली हर एक एग्जाम में इनमें क्या वर्डिक्ट आया था, व्हाट वर द फैक्ट्स, क्या प्रिंसिपल ले डाउन हुए थे और किस प्रिंस किस प्रोविजन से रिलेटेड है वो आ सकते। तो नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।